सो जस्ट इमेजिन आप 50,000 पे करके एक फ़ोन लेते हो, नहीं, एक आईफोन लेते हो, एंड उसी आईफोन की वजह से अगर आपको कैंसर होने लगे तो क्या ये बात आपको हजम होगी? वेल, हजम की बात तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है एंड जिसके तहत आईफोन 12 की सेल को बैन कर दिया गया। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, एप्पल प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न में रहती है, बट जो चीज़ हम नहीं जानते वो है शायद हमारी हेल्थ। तो आज हम एप्पल के इस मुद्दे को अगर बात करेंगे कि एक्चुअल में आईफोन 12 की सेल बैन क्यों हुई एंड इस चीज़ को लेकर एप्पल का क्या कहना। सो लेट्स बिगिन। फ्रांस गवर्नमेंट का ANFR करके एक एजेंसी है जो रेडियो स्पेक्ट्रम मॉनिटर करती है। सो इस एजेंसी ने मार्केट से 141 रैंडम मोबाइल खरीदे टेस्ट करने के लिए, जिसमें दो आईफोन 12 भी शामिल थे, एंड टेस्ट के बाद ही आईफोन 12 की सेल को बैन कर दिया गया एंड बताया गया कि आईफोन 12 हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इससे कैंसर होने के खतरे है। इस एजेंसी की जो आर्टिकल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हो। अब टेस्ट में क्या निकली है ये जानने के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम क्या होती है, जो बेसिकली फ्रांस का ANFR एजेंसी मॉनिटर करती है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। रेडियो स्पेक्ट्रम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, लेट्स सी, एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है एंड ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। अभी इस बोर्ड से करंट लेकर इस बल्ब को जलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तार की। इस तार के माध्यम से एक कनेक्शन बनती है एंड जिससे ये बल्ब जल जाती है। नाउ ऑन द अदर हैंड साइड ये हमारा फ़ोन है, जब भी इसके अंदर सिम डालते हैं ये नियर बाई टावर से भी ये फ़ोन कनेक्ट हो जाती है। लेकिन वो कैसे जाती है, इस मामले में तो तार से हो जाती है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हो जाती है, बट हाउ? एक्चुअली टावर से इनविजिबल सिग्नल भेजा जाता है एंड मोबाइल में रिसीव करने के लगे होते हैं एंटीना, जिसे बेसिकली बेस स्टेशन कहते हैं, एंड इस इनविजिबल सिग्नल की वजह से ही दोनों डिवाइस कनेक्ट हो जाती है, एक टावर एक फोन, एंड ये इनविजिबल सिग्नल ही होती है रेडियो स्पेक्ट्रम। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि रेडियो स्पेक्ट्रम को मॉनिटर करने की आखिर जरूरत क्या है, जो बेसिकली ANFR एजेंसी मॉनिटर करती है फ्रांस में, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। ज़रा फिर से इस दोनों कनेक्शन को देखो, दोनों ही कनेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट ट्रांसमिट हो रही है। इस कनेक्शन में एक तार के थ्रू हो रही है, अगर हम तार को टच भी करते हैं तो इसमें बेहतरीन बिजली की वजह से हमें शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लास्टिक का प्रोटेक्शन है। अब अगर प्लास्टिक ना होती तो हमें शॉक लगता, लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है, क्योंकि शॉक लगने के लिए भी एक मिनिमम वोल्टेज ऑफ करंट चाहिए होती है, विच इज 50 वोल्ट। इसका मतलब इस तार में वैद्य करंट अगर 50 वोल्ट से ऊपर की है तो भी हमें शॉक लाएगा, इसके नीचे नहीं लाएगा, बट प्लीज डोंट ट्राई। नाउ इस कनेक्शन में भी थोड़ा बहुत करंट ट्रांसमिट हो रही होती है रेडिएशन के फॉर्म में, एयर में, क्योंकि रेडिएशन एयर में ट्रांसमिट होती है यहाँ पे। तो रेडिएशन से बचने के लिए हवा में प्लास्टिक जैसा कुछ प्रोटेक्शन यूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना? तो यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक लिमिट तक रखा जाता है ताकि हम सब सेफ रहे। अब सेफ मतलब रेडिएशन इलेक्ट्रिसिटी की जैसा शॉक नहीं देती है, ये बेसिकली बॉडी टिश्यूज को हीटअप कर देती है, जिससे कि अल्टीमेटली हमें कैंसर होने के खतरा होते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर क्यों रेडियो स्पेक्ट्रम का मॉनिटर करना जरूरी है। नाउ जैसे ह्यूमन बॉडी 50 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सकती है, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी बॉडी वेट के हिसाब से रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसे स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है। यानी कि सर यूजली ये लिमिट 1.6 वाट की होती है, लेकिन फ्रांस में इसे 4 तक रखा गया है। अभी ANFR के टेस्टिंग में आईफोन 12 की जो रेडिएशन निकल गया है, यानी कि सर जो निकल गया है वो है 5.74 वाट, एंड दिस इज मच हायर देन द मैक्स लिमिट। सेफ्टी को नजर रखते हुए आईफोन 12 की सेल को बैन कर दिया गया अभी तक, एंड एप्पल से कहा गया है कि रेडिएशन रिलेटेड इश्यूज को जल्दी से जल्दी फिक्स करने के लिए, वरना सारा का सारा आईफोन 12 को फ्रांस में रिकॉल किया जाएगा। हालांकि इस इशू को एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है, लेकिन एप्पल ने भाई सीधे सीधे मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता है, तुम हमारा फोन सेफ है, ऐसा एप्पल का कहना है, एंड शायद एप्पल केस भी करने वाला है, अभी तक शायद कर भी चुका है, बट मुझे जो लगता है मैं वो आपको बताता हूँ। एप्पल एक्चुअली सरासर झूठ बोल रही है, जैसे कि एप्पल ने कहा है एलिगेशन के अगेंस्ट में जाएगी, यानी कि केस करेगी, तो इन सभी के बीच में एप्पल को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, तो यहाँ पर एप्पल कुछ ना कुछ जोगर कर ही लेगी, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट देकर फोन की प्रॉब्लम को फिक्स कर देगी एंड बताएगा कि ANFR की एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो फेक है शायद, क्योंकि सीधे सीधे अपनी गलती मानेगा नहीं, एंड ट्रस्ट मी कोई भी नहीं मानता। आज से 3 साल पहले जब Xiaomi पकड़ा गया था मी ब्राउजर को लेकर, तब भी ऐसा कहा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जस्ट लाइक एप्पल। और वैसे भी एप्पल का ये काम कुछ नया नहीं है, क्योंकि आईफोन 6 जब बैन हो रहा था
तब भी अनबॉक्स थेरेपी की वीडियो को फेक कहा था एप्पल ने, एंड बाद में पता चला कि एप्पल को पहले से पता था कि आईफोन 6 बैंड हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है आईफोन 12 में सीरियस इशू है सर को लेकर। अभी दिवाली का सेल भी आने वाला है तो हो सके तो इग्नोर करके चलना आईफोन 12 को, क्योंकि इंडिया में तो आईफोन 12 की सेल बैंड नहीं होने वाला। बहुत सारा प्रोडक्ट बाहर बैंड है, इंडिया में मस्त चलते हैं, तो सर क्या चीज़ है। वैसे मैंने सुना है सर वालों के मामले में सैमसंग सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है, लेकिन जिस चीज़ की ख्याल सैमसंग नहीं रखती वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो सी यू देयर।